चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश की वजह से भागड़ क्षेत्र के कई गांवों में किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्यादा बारिश होने की वजह से खेत में दलदल की स्थिति पैदा हो गई है और इसी वजह से फसलें खराब हो चुकी हैं। बनकोड़ा से दिनेश राजभोई की रिपोर्ट। मामा जी, क्षेत्र में सप्पा भाई पानी में सप्पा तबरीक जो ने डूबन सारे ने बढ़ती है ने सोलिया बेन करी थी तो सप्पा भेजी गयो पानी 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 थी गयो है। मैं कोई रू नहीं है क्षेत्र में, हूँ करूँ। इधर समानता मंच संरक्षक दिग्विजय सिंह चुंडावत के आतिथ्य में रविवार को सोमकमलांबा बांध पर स्थित शिव मंदिर परिसर में सर्व समाज का बैठक आयोजन हुआ, जिसमें कनिष्ठ लिपिक ग्रेड द्वितीय श्रेणी 2018, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018, पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2016, कृषि पर्यवेक्षक 2018, प्रयोगशाला सहायक आदि विज्ञप्तियों में विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी TSP क्षेत्र विस्तारित किया गया। विज्ञप्ति जारी होने के बाद TSP क्षेत्र 19 मई 2018 विस्तारित होने से 41 लाख नए लोग TSP क्षेत्र में जुड़े तथा विस्तारित क्षेत्र के एवज में पद नहीं बढ़ाए गए। अब तक 4 भर्तियों में कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है। उपयोजना का विस्तार हुआ, उसके विपरीत यहाँ जो भी भर्ती आई उसमें नए पद सृजित नहीं किए गए, जबकि 45 लाख की नई जनसंख्या को इस क्षेत्र में जोड़ दिया गया और जो भर्तियां वर्तमान में चल रही उनमें नए पद नहीं जोड़े, जिससे कई विभाग, कृषि विभाग, LDC भर्ती, शिक्षक विभाग के अंदर, पुलिस के अंदर, प्रयोगशाला सहायक के अंदर, इन सभी विभागों के अंदर छात्रों और बेरोजगारों को परेशान होना पड़ रहा है। 4 विभागों में कोर्ट ने स्टे भी दिया पर सरकार के कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे। MLA मालविया जी और भाई विधायक राजकुमार के अलावा कोई ध्यान नहीं दे रहा। इन दोनों विधायकों ने की वेदना सुनी है और आगामी दिनों में ये सभी समाज के लोग, इसमें जनजाति के लोग भी, SC के लोग भी, ST के लोग भी, जनरल और समुदाय मिलकर इस आंदोलन को प्रभावी कराएं कि हमारा क्षेत्र विस्तारित हुआ है, उस एवज में हमारे पद भी बढ़ाए जाए और इन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाई जाए। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। शीघ्र नई खबर लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। देखते रहे सागवाड़ा लाइव न्यूज़ यूट्यूब चैनल।